स्वागत है फ्रेंड आप सबके हमारे चैनल हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस में। फ्रेंड ये एक फ्रेम जैसा मैंने बनाया है, जैसे जिस प्रकार दरवाजे होते हैं जो सीधा खड़ी रहती है, तो मैंने बनाया है फ्रेंड। आपको बताऊंगा कि इसलिए बनाया है, आप अगर हीट ट्रीटमेंट प्लांट में काम करते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो आप वहाँ भी हो सकता है कि आपको ऐसा बनाने की एक ज़रूरत पड़े। आप देख रहे हैं फ्रेंड, मैंने इस 3 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी मैंने बनाया है। देख रहे हैं सिंपल है फ्रेंड, इसको ऊपर में अभी सपोर्ट देना है और ऊपर में सपोर्ट देके अच्छी प्रकार से वेल्डिंग मार देनी है। हमने 35 के एंगल से बनाया है। आप देख रहे हैं नीचे टी टाइप बना दिया, एच टाइप दोनों तरफ जोड़कर एच बना दिए हैं। आप भी ऐसे ही बना लेना। अब इसके वहाँ एक कोनिया में मैं सपोर्ट दूंगा। देख रहे हैं फ्रेंड, ये अच्छी प्रकार से वेल्डिंग मारने के बाद फिर सपोर्ट दे देंगे, जो कि मैंने टाँका टुका मार कर आपको दिखाया था। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड, तभी आपको समझ आएगी। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे ही नॉलेज वाला वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप फैब्रिकेटर होंगे, टेक्नीशियन होंगे, तो आपको हमारी वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी अपनी जॉब में। देख रहे फ्रेंड, ये जो हमने सपोर्ट लगा दिया, ऐसे दोनों तरफ लगा देंगे, मतलब चारों तरफ लगा देंगे, यहाँ भी और इसके सामने भी लगानी है सपोर्ट, ताकि हमारा ये जो हमने बनाया है दरवाजे जैसा, ये मतलब हिले ना और मजबूत रहे। फ्रेंड एक बात बताना चाहूँगा कि अच्छी प्रकार से वेल्डिंग मारना। अब यहाँ पर सीट लगानी है फ्रेंड, तो सीट को 1.5 इंची हमने कमी, मतलब 6 फुट का हमारा वो ब्रैकेट है, तो उसमें हमने सीट के लिए 1-2 इंची कमी किया है और अच्छे से मार्कर पेन से स्केल से मार्किंग करके अब इसको ग्राइंडर से काट लेंगे। ये हमारे सीट 1 mm की है। मैं किस काम के लिए बना रहा हूँ आपको अभी दिखाऊंगा, अभी आप समझ जाओगे अगर आप हीट ट्रीटमेंट प्लांट में जॉब करते होंगे। हमारी ये सीट कट चुकी है फ्रेंड, अब इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लगा कर और मोटे मोटे टाँके मार दिए हैं वेल्डिंग के, ताकि ये हिले ना और गिरे भी ना और मजबूती से पकड़े रहे। देख रहे फ्रेंड, अच्छी प्रकार से चारों तरफ वेल्डिंग हमने मारा है। आप भी बस अच्छी प्रकार से चारों तरफ वेल्डिंग मारना। आपको और आगे के दिखाऊंगा, आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कि मैंने किस लिए आपको ये चीज़ बना के दिखा रहा हूँ। फ्रेंड आप अगर वेल्डर होंगे तो आपको ये तो बनाने आता ही होगा, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड, और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। फ्रेंड देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के है, 6 फीट हाइट है और 3 फीट चौड़ा है। आप चाहें तो इसमें रोलर भी लगा सकते हैं, पहिया भी लगा सकते हैं, ताकि इसको इधर उधर घसकाने में आसानी हो। हमने नहीं लगाया, बस एक ही जगह हमें रखना है, इधर उधर लेके जाना नहीं है फ्रेंड। अब आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस काम के लिए हमने बनाया। आप देख रहे हैं जो हमारे प्लांट में हीट ट्रीटमेंट प्लांट है और गैस कार्बराइजिंग फर्नेस का जब क्विंचिंग होता है तो काफ़ी सेंक मारती है। देख रहे हैं फ्रेंड कितने आग जल रही है, तो इस बंदे को बहुत सेंक लगती है, तो गला उला और चेहरा पूरा झुलस जाते हैं, तो इसी को बचाने के लिए हमने बनाया है फ्रेंड। ये हमारे कंपनी में काम करते हैं, ऑपरेटर हैं, पांडे जी इनका नाम है। देख रहे हैं फ्रेंड, इसको लगाने से मतलब थोड़ा बहुत आराम है कि सेंक नहीं लगती है चेहरे पर। फ्रेंड बताना चाहूँगा कि आप अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।